प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपनी कैबिनेट की मरम्मत कर दी है, ओवरहॉल किया है, पुर्जों को ठीक किया है। यह सरकार की स्पीड बढ़ाने के लिए सही था क्योंकि सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब 3 साल ही बचे हैं और 2024 की तैयारी के लिए अभी से सरकार को फिट करना जरूरी था। जो इसमें फिट नहीं हो रहे थे उन्हें आउट किया गया। अब सबका फोकस उन लोगों पर है जिनकी क्षमता पर भरोसा किया है और जिन्हें बड़े बड़े नामों की जगह लाया गया है। अब इन्हें काम करके दिखाना होगा और वो काम करके दिखाना होगा जो उनके पहले के मंत्री नहीं कर पाए। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। 2 महीने से रविशंकर प्रसाद ट्विटर की चिड़िया उड़ा रहे थे, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन कैबिनेट से खुद उड़ा दिए गए। उनकी कुर्सी पर नए मंत्री बैठ गए हैं, अब उनके पास चिड़िया उड़ाने का चैलेंज है। आईटी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर जो है भारतीय डिजिटल पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने तो कई ऐसे, रविशंकर प्रसाद जो आपसे पहले मंत्री थे, वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। क्या आपको लगता है कि ट्विटर को ये पॉलिसी भारत की माननी चाहिए? अब भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया है वो मंत्रालय, पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। जो काम रविशंकर प्रसाद नहीं कर पाए वो अश्विनी वैष्णव कर पाएंगे, ये कहना मुश्किल है क्योंकि ट्विटर तो कानूनों के पालन पर अब भी इधर उधर की बातें कर रहा है। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में खुद ट्विटर ने माना कि नए आईटी नियमों का उसने पालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कह दिया कि अब वो ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते और सरकार को फ्री हैंड है कि वो ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन ले, क्योंकि अगर ट्विटर को भारत में काम करना है तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें क्या बर्ताव करना है। हाईकोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई तो ट्विटर ने 8 हफ्ते का टाइम मांग लिया जिसमें वो स्थायी तौर पर शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति कर सके। ये टालमटोल, ये आनाकानी फरवरी से चल रही है जब से नए आईटी नियमों का नोटिफिकेशन आया था और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने का समय मिला था कि वो नियमों का पालन करे। लेकिन 3 महीने क्या, मई के बाद जून निकल गया, जुलाई आ गया, ट्विटर कोर्ट और कचहरी के चक्कर में पड़ गया, लेकिन नियमों को मानने पर उसके बहाने ही खत्म नहीं होते। अब आईटी और कम्युनिकेशन को संभालने अश्नवी वैष्णव आए हैं जो आईएएस रह चुके हैं, आईआईटी से पढ़े हैं, अमेरिका के वॉर्टन से एमबीए हैं। पीएम का अश्विनी वैष्णव पर भरोसा ऐसा है कि रविशंकर प्रसाद जैसे सीनियर नेता को हटाकर उन्हें आईटी मंत्रालय दे दिया, पीयूष गोयल जैसे नेता से रेल मंत्रालय लेकर उन्हें दे दिया। आपके कंधे पे रेल, आपके कंधे के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन साथ में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने। रेलवे एक बड़ा मंत्रालय है, उसके मॉडर्नाइजेशन को लेकर कई चीजें हैं। पहले यह भी कहा जाता था रेलवे एक्सीडेंट के लिए ही जाना जाता था, भारतीय रेलवे में ये बहुत था। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। और क्या क्या रहेगा आपके हिसाब से रेलवे में? मॉडर्नाइजेशन रहेगा, सेफ्टी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण से साधारण परिवार के व्यक्ति के, जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में रेलवे के द्वारा, आईटी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा क्या चेंज आए, वो मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत रेल चलेंगी, अब तेजी से मान सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन रेलवे के लिए बहुत विराट है, उस पूरे विजन में सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति है उसके लिए सोचना है, तो हम उसी 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 धारा पे काम करेंगे। पीएम के विजन की बात सभी कर रहे हैं, ये विजन ऐसा बदलाव लेकर आएगा ये कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता था। कानून मंत्रालय में ऐसा ही उलटफेर हुआ है। रविशंकर प्रसाद तो खुद वकील हैं, कानून के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनकी छुट्टी हुई तो कानून मंत्रालय किरण रिजिजू को दे दिया गया। ये चौंकाने वाला फैसला था। उससे पहले मैं गृह राज्य मंत्री रहा है पिछली सरकार के समय में, तो उस समय में कानून मंत्रालय से काफी क्लोज रहा है होम मिनिस्ट्री का, तो जिम्मेदारी तो कहीं भी मिलेगा, हम अपना काम को दिल लगा के काम करना है, तो यही हमारा
एक जीवन का मकसद है, इसलिए नई मंत्रालय का जिम्मेदारी लेने से मुझे एक नई तरीके से काम करने का, सीखने का, देश के लिए काम करने का मौका मिलेगा। कानून मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रमोशन में अहम रोल निभाता है। तीन अहम चुनौतियां इस वक्त हैं। पहली ये कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में खाली पद भरने हैं। दूसरे, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। तीसरी ये कि कोरोना काल में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है। चुनौती तो कोई ऐसी नहीं है, लेकिन हर छोटे काम को बड़ा समझ के ही करना चाहिए और कानूनों का सरलीकरण होना चाहिए और देश काल परिस्थितियों के अनुसार जिस प्रकार से संविधान में भी संशोधन राष्ट्रहित में और जनहित में होते रहते हैं, इस प्रकार से कानूनों में भी। इसके अलावा तीन और अहम मंत्रालय जिनके चेहरे बदले गए और जिनके सामने कोरोना के इस दौर में सबसे ज्यादा चुनौतियां हैं, उनमें श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय हैं, क्योंकि सवाल रोजगार का है, शिक्षा का है, तेल की महंगाई का है। पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान से लेकर हरदीप पुरी को उस वक्त दिया गया है जब पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है, डीजल भी कहीं कहीं 100 के पार हो चुका है। इस महंगाई के साथ सवाल रोजगार का भी हो, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर ने कमर तोड़ दी, काम धंधे बंद हो गए, नौकरियां चली गई। श्रम मंत्रालय में अब भूपेंद्र यादव आए हैं। इसी तरह से चुनौती शिक्षा मंत्रालय में भी है, जहां रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी करके धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी दी गई। कोविड में स्कूल भी 1.5 साल से बंद हैं। शिक्षा मंत्रालय के मिसमैनेजमेंट की वजह से ही इस साल परीक्षाएं नहीं हो सकी और किसी तरह से छात्रों का रिजल्ट तैयार किया गया। अब चुनौती यही है कि पूरी व्यवस्था को कैसे फिर से पटरी पर लाया जाए। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।